दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ी पिछली वीडियो में हमने उत्तर वैदिक काल के समाप्ति के समय भारत में बने 16 महाजनपदों के बारे में जाना। उन सभी महाजनपदों में जब वर्चस्व की लड़ाई चली, तब मगध महाजनपद सभी महाजनपदों से शक्तिशाली सिद्ध हुआ। मगध के पराक्रमी राजवंशों ने भारत के अधिकांश भूमि पर अपना वर्चस्व प्रस्थापित करते हुए मगध का साम्राज्य विस्तार किया। तो आखिर वो ऐसे कौन से कारण थे कि 16 महाजनपदों में केवल मगध ही अपना उत्कर्ष कर पाने में सफल रहा, और वो ऐसे कौन से राजवंश थे जिन्होंने अपनी प्रचंड महत्वाकांक्षा के बल पर मगध को सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। तो आओ दोस्तों, आज हम मगध के उत्कर्ष और उसके राजवंशों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के बाद विभिन्न जनपद आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न बनते जा रहे थे। संपूर्ण भारत में इस वक्त मानो विकास का दौर ही चल रहा था। ऐसे में मगध को जिस बात का सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो था छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। मगध के हिस्से में आने वाले इस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में लोह अयस्क प्राप्त हुए। लोहे की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के कारण मगध हथियारों, युद्ध सामग्री और औजारों में सबसे आगे रहा। नतीजन मगध ने बड़ी मात्रा में जंगली लकड़ी को काटकर युद्ध में उपयुक्त होने वाले रथ बनाए। साथ ही साथ जंगलों से हाथियों को पकड़कर उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया, जिससे मगध की सेना अन्य महाजनपदों से काफी शक्तिशाली बनी। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो मगध प्राकृतिक रूप से काफी सुरक्षित स्थान पर बसा हुआ था। उसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तो दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर बसी हुई थी, जिस कारण मगध पर आक्रमण करके उसे जीत पाना आसान नहीं था। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मगध में क्रमिक रूप से जो भी राजवंश आए, उन सभी राजवंशों में अनेकानेक शक्तिशाली राजा हुए जिन्होंने मगध के साम्राज्य विस्तार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और मगध की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया, जिससे बढ़ते साम्राज्य पर नियंत्रण रख पाना मगध के लिए आसान साबित हुआ। इसी के साथ साथ मगध में बिछे नदियों के जाल और वहां के जलोढ़ मिट्टी से कृषि से अधिशेष उत्पाद का निर्माण हुआ, जिसका व्यापार नदी मार्गों के माध्यम से भारत के अन्य क्षेत्रों में किया गया। इससे मगध आर्थिक रूप से बेहद ही संपन्न राज्य बना। इस प्रकार मगध की हो रही आर्थिक वृद्धि, उसकी प्रशासनिक स्थिरता और राजवंशों की महत्वाकांक्षा ने मगध को अन्य महाजनपदों से काफी आगे बढ़ाया। मगध के उत्कर्ष में क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, इन राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बृहद्रथ को मगध के संस्थापक के रूप में देखा जाता है, लेकिन मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार को माना जाता है। केवल अपनी 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले बिंबिसार हर्यक वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक थे। जैन साहित्य में उन्हें श्रेणिक नाम से वर्णित किया गया है। राजा बिंबिसार ने मगध के विस्तार की नींव वैवाहिक संबंधों के माध्यम से रखी। उन्होंने 3 विवाह किए, जिसमें पहला विवाह उन्होंने कौशल राज की पुत्री तथा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से किया। इस वैवाहिक संबंध में उन्हें दहेज में काशी प्रांत मिला। उनका दूसरा विवाह लिच्छवी की राजकुमारी चेलना के साथ हुआ। रानी चेलना से उन्हें अजातशत्रु नाम का पुत्र हुआ और उनका तीसरा विवाह पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से हुआ। इन वैवाहिक संबंधों से राजा बिंबिसार को बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध को पश्चिम एवं उत्तर की तरफ विस्तार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। राजा बिंबिसार ने
अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। अवंती के शासक चंड प्रद्योत से राजा बिंबिसार के मित्रता पूर्व संबंध थे। जब राजा चंड प्रद्योत बीमार पड़े तब अपने राजवैद्य जीवक को राजा बिंबिसार ने इलाज के लिए अवंती भेजा था। राजा बिंबिसार के लगभग 52 वर्षों तक शासन करने के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में उनकी हत्या कर मगध की राजगद्दी पर अपना अधिकार स्थापित किया। अजातशत्रु जैन मतानुयायी था। उसका उपनाम कुनिक था। राजा बिंबिसार की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत के साथ युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में प्रसेनजीत की पराजय हुई और समझौते में राजा प्रसेनजीत को अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करवाना पड़ा। अजातशत्रु का लिच्छवियों के साथ भी युद्ध हुआ। अपने कूटनीतिक मित्र वस्कार की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में उसने रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। इस प्रकार अजातशत्रु ने काशी और वैशाली दोनों को मगध का अंग बनाया। अजातशत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु को भी उसके पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। पिता की हत्या करके पुत्र द्वारा बार बार गद्दी हथियाने की वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक तथा जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन मतानुयायी था। उसका पुत्र नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक के अमात्य शिशुनाग ने नागदशक को पदच्युत करके राजगद्दी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और फिर मगध पर शिशुनाग नामक एक नए वंश की स्थापना हो गई। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स्य राज्य पर अधिकार करके उसे मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया और अपनी राजधानी को वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग के शासनकाल में मगध बंगाल से मालवा तक फैल चुका था। शिशुनाग के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजगद्दी पर बैठा। कालाशोक ने वैशाली की जगह पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। कालाशोक के समय ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पुराण तथा दिव्यावदान में कालाशोक को काकवर्ण नाम से संबोधित किया गया है। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। कालाशोक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने 22 वर्षों तक मगध पर शासन किया। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक रहा और फिर मगध पर नंद वंश की स्थापना हुई। महापद्मनंद। पुराणों के अनुसार मगध पर नंद वंश की स्थापना करने वाला महापद्मनंद एक शूद्र था। पुराणों में उसे सर्व क्षत्रान तक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव अर्थात परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। अपने निकटवर्ती सभी राज्यों को जीतकर मगध के विशाल साम्राज्य का निर्माण कर चुके महापद्मनंद ने अपने आप को एकराट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की। उसने कलिंग को जीता और वहां से जिनसेन की मूर्ति को उठाकर मगध लाया। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में से धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक रहा। सन 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने जब पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया तब मगध पर धनानंद का शासन था। अर्थात धनानंद सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने धनानंद को अग्रमीज कहकर पुकारा है। धनानंद ने जनता पर कई सारे कर लादे थे जिस कारण जनता धनानंद से असंतुष्ट थी। तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को भरे दरबार में अपमानित करने के बाद सन 322 ईसा पूर्व में आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी और फिर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना हुई।
मौर्यों के शासनकाल में मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में मौर्य राजाओं का योगदान अनन्य साधारण है। उनके इस योगदान को हम अगली वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।